श्री नारायण गुरु धर्म समागम के द्वारा श्री नारायण गुरु की 170वीं जयंती एसएनजी सभागार में मनाई गई। इस दौरान विभिन्न समाज के लोग यहां पर शामिल रहे। श्री नारायण गुरु धर्म समागम के द्वारा श्री नारायण गुरु की 170वीं जयंती हर्ष और उल्लास के साथ साथ ही विभिन्न आयोजनों के बीच मनाई गई। 20 अगस्त 2024 को एसएनजी सभागार में ये आयोजन किया गया। समागम द्वारा पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ ये जयंती मनाई गई। इस मौके पर दो सत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सजीश कुमार मनालेल उपाध्यक्ष एसएनडीपी यूथ मूवमेंट सेंट्रल कमेटी उपाध्यक्ष श्री नारायण एम्प्लॉयज फोरम सेंट्रल यूनियन काउंसलर साथ ही एसएनडीपी युगम कोटायम। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में मधुसूदन टीजी अध्यक्ष केरला पब्लिक स्कूल तिलदा और श्री आरडी डेविड अध्यक्ष केसीए हाउसिंग बोर्ड भिलाई। इन सब की गरिमामय उपस्थिति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया, तत्पश्चात स्वागत गीत आयोजित किया गया। इसके साथ ही शामिल लोगों का स्वागत सम्मान अतिथि देवो भव के तहत किया गया। सामना करना था हमको उस चुनौती में। पहला कार्यक्रम था हमारा अकाउंट सेक्शन, तो हमारे जो प्रशासन जिनका बहुत पहले उनका योगदान प्रशासन का और एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के पद पे रहे हैं, पहले भी प्रशासन के पद पर रह चुके हैं। भारत उसी तरीके से हम भी उसी राह पर विकसित श्री नारायण गुरु धर्म समाज की ओर चल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से आप देखे होंगे श्री नारायण गुरु धर्म समागम विद्या भवन और हमारे मंदिर की जो कायाकल्प है वो बहुत ही तेजी से विकास हुआ है, यह मेरा मानना है। जैसे कि आज सवेरे मैं जैसे भी सुरेश सर ने बोला कि नारायण सर के सामने बात करना इन्हें बहुत बहुत दम चाहिए, सही बात है। उन्हीं से मैंने सीखा है कि मंच पर कैसे बात करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, और उन्होंने आज हमें बताया कि यह समाज हम जब चालू किए थे तो 145 रुपए उधारी पे हमने उस समय समाज को चालू किया था, और वो समाज धीरे 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 विकसित होते हुए आज हमारा इस समाज का टर्नओवर जो है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास। शामिल समाज के लोगों को उपस्थित लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम था श्री नारायण गुरु की 170वीं जयंती का, तो इस दौरान मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार के अवार्ड भी यहां पर दिए गए। इस दौरान समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे।